हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 27 सितंबर 2017 और आज के इस वीडियो में हम डेली पेबी न्यूज़ और साथ में जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की सबसे पहली पेबी न्यूज़ क्या है। आज की सबसे पहले जो पेबी न्यूज़ है वो खेल सबके लिए लेके एक कैंपेन है, जो एक वर्कशॉप है, सॉरी, उसके लिए न्यूज़ आई है। तो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम थोड़े देख लेते हैं कि क्या इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो ये कैम वर्कशॉप है ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा संचालित किया जा रहा है, और एक इसके जो कैंपियन वर्कशॉप है इसके तहत खेलों का मतलब एक पॉइंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा पॉइंट है कि खेलों के द्वारा व्यक्तिगत विकास होता है, इसके साथ सामुदायिक विकास और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास का एक अहम रोल होता है। मतलब खेलों के द्वारा इन क्षेत्र में हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। आपको पता है कि इंडिया को ओलंपिक काफ़ी कम मिले थे, इस बार भी पहले भी काफ़ी कम मिलते आ रहे थे। तो इसी दिशा में गवर्नमेंट है वो खेल को काफ़ी प्रमोट करना चाह रही है, और इसके लिए नया कैंपेन, नेक्स्ट वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, नई स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था खेलो इंडिया। तो उसी के तहत ये एक वर्कशॉप स्टार्ट की गई है, तो उसी को लेके न्यूज़ आई है। तो जो खेलो इंडिया जो अभियान है, जो मिशन है, उसको क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, अच्छे स्कीम है, उसके बारे में थोड़ा हम पहले देख लेते हैं। एक्चुअली जो खेलो इंडिया जो स्कीम है वो पहले एक दूसरी स्कीम थी जिसका नाम है राजीव गांधी खेल अभियान। इसको कन्वर्ट करके मतलब इसे मर्ज कर दिया गया था पहले, तो सॉरी, सबसे पहले जो पुरानी स्कीम थी उसका नाम था राजीव गांधी खेल अभियान, फिर बाद में इसका नया नाम था, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है उसने इसका नया नाम खेलो इंडिया रख दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी कई बार पुरानी स्कीमों के नाम पर भी क्वेश्चन पूछ लेती है। और इसमें मेनली जो एथलीट वगैरह होते हैं उनको वार्षिक ईयरली मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि अप्रोक्सीमेट 5 लाख पर ईयर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि अपना खेल के जो इक्विपमेंट वगैरह है या फिर उन्हें कोई भी ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, प्राइवेट ट्रेनिंग वगैरह, तो वो कहीं भी कर सकते हैं। इसी के साथ इंडिया को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए गवर्नमेंट है वो काफ़ी नए कदम उठा रही है, तो उसमें ये अहम रोल निभा सकती है खेलो इंडिया जो मिशन है वो। और अगला जो ये कहा गया है कि जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स हैं उनको भी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कम्युनिटी स्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं इंडिया में। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि उनके अगर कम्युनिटी स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट आगे लेके आती है तो उसकी वजह से फिर इंडिया को जो ओलंपिक पदक वगैरह हैं वो भी काफ़ी ईजिली मिल जाएंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट है वो अभी से प्लान है वो तैयार कर रही है। और टैलेंट को गवर्नमेंट है वो पहचान रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट है वो जगह जगह पे स्किल सेंटर भी ओपन कर रही है, जिसके द्वारा जो भी टैलेंट है युवाओं का उनको टैलेंट को मतलब देखा जाएगा, और उसके बाद उन्हें कोच जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ताकि इस दिशा में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो बहुत अच्छा कदम उठा रही है। और यही इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ के। अगली न्यूज़ INS तारास को लेके है। यह एक नेवी का भी एक एयरक्राफ्ट नेवी का क्राफ्ट है, सॉरी, तो यह मेनली शिप टाइप का एक छोटा क्राफ्ट है। तो इसको लेके न्यूज़ आई है, भी है रिसेंटली कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के अंदर, तो उसको लेके न्यूज़ आई है। तो ये कमीशन कहाँ किया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह जो शिप है, यह जो क्राफ्ट है, सॉरी, यह मुंबई में कमीशन किया गया है, और इसी के साथ ये बनाया गया था कोलकाता पोर्ट पे, तो कोलकाता शिपयार्ड में इसे बनाया गया है, जबकि इसे कमीशन किया गया है वो किया गया मुंबई पोर्ट पे। और यह पहला ऐसा क्राफ्ट नहीं है, इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे क्राफ्ट बना चुकी है। तो UPSC से पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि क्या यह पहला ऐसा क्राफ्ट है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़ बेसिक फीचर्स के वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेती है। तो फीचर्स इसके थोड़े हम देख लेते हैं कि एक तो वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है, मतलब कहीं भी अटैक करना हो फास्ट सडनली तो उसके लिए काफ़ी अच्छा वेपन के रूप में यूज़ कर सकती है आर्मी मिलिट्री सॉरी नेवी। और इसी के साथ जो कोस्टल सिक्योरिटी है, गश्ती है, उसके लिए इसकी जो अग्रिम भूमिका है वो निभाएगा, क्योंकि जो पेट्रोलिंग वगैरह की काफ़ी इशू रहता है कई बार कोस्टल एरिया में स्मगलिंग वगैरह के चक्कर में, तो उसके लिए गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने नया शिप बनाया ताकि लोगों को मतलब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जा सके। इसकी वजह से अगर कहीं भी आपदा प्रबंधन के में इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे गैरसैन्य अभियान, जैसे कहीं भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि कई बार शिप वगैरह कोई बोट वगैरह अगर समुद्र में पलट जाती है या कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी यह डिजास्टर में मतलब हेल्प है वो मुहैया करवाएंगे। इसी के साथ जो इसकी स्पीड है वो अप्रोक्सीमेट 35 नॉटिकल माइल्स है, और इसे कोलकाता में बनाया गया था, जो इसके हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमने इसके डिस्कस किए। अब इसके साथ ही हम थोड़ा EEZ को डिस्कस कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेके। तो उसके थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि कई बार UPSC पूछ लेती है इसके बारे में, तो थोड़े जो देखते हैं हम इसके बारे में कि EEZ के बारे में क्या क्या नए फीचर्स वगैरह हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। EEZ आपको पता है कि लैंड से
12 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस होती है उसको तो कोस्टल टेरिटोरियल सी बोलते हैं, और टेरिटोरियल सी के बाद में जो 12 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस होती है उसे कंटीजेंस जोन बोलते हैं, और फिर जो कंटीजेंस जोन होता है उससे फिर आगे लेके 200 नॉटिकल माइल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो जो मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है इसमें जो भी इकोनॉमिक जो भी रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो, पेट्रोलियम पदार्थ हुए, या फिर नेचुरल गैस वगैरह हुई, या फिर कोई खनिज वगैरह हुई, मिनरल्स वगैरह, तो वो उस कंट्री को अधिकार होता है कि वो उससे रिलेटेड कोई भी मतलब जो न्यूट्रिशन जो भी सॉरी जो ये जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनका वो मतलब दोहन कर सकता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे लिए है कि ईजेड को लेके आपको पता है साउथ चाइना सी का जो है उसमें भी काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे कंट्रीज की जो बॉर्डर है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से जो 200 नॉटिकल माइल का जो इशू है बेस लाइन से उसका काफ़ी इशू रहता है। तो हमें पता होना चाहिए, काफ़ी यूपीसी पूछ भी सकती है कभी कि जो टेरिटोरियल सी है उसकी मतलब क्या लेंथ डिस्टेंस हो, तो हमें पता कि लैंड से ये ध्यान रखना है लैंड से ही साइड सी की साइड जाना है, ना कि ऐसा नहीं है कि आप लैंड से मतलब लैंड की तरफ ही पहुंचो फिर बोलो कि नॉटिकल वो सर टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी इधर नहीं, और टेरिटोरियल सी हमेशा ध्यान रखना है इस साइड डिस्टेंस पे कवर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस है वो यहाँ पे, इसके बाद जो भी टेरिटोरियल सी की डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल, इसके आगे की जो डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल उसको बोलते हैं कंटिन्यूस जोन बोलते हैं। और इसमें कोई भी कंट्री है वो जो भी मतलब नियर बाय जो जिस कंट्री का ये जोन है वो कंट्री इसके अंदर कोई भी मतलब वो ट्रेड वगैरह होता है तो उसके ऊपर चार्ज वगैरह लगा सकती है, शिपिंग चार्ज वगैरह, उसे पूरी पावर होती है इस क्षेत्र के अंदर। और जबकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसमें यही है कि मैंने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए होता है, जैसे अभी बताया कि पेट्रोलियम एक्टिविटीज़ हो या कोई भी जैसे कोई खनिज वगैरह मिल गए तो उसके लिए काम करता है। फिर आगे जो 1200 नॉटिकल माइल से आगे की जो डिस्टेंस होती है उसे हाई सी बोलते हैं। तो हाई सी में किसी भी कंट्रीज़ के कोई रूल है वो अप्लाई नहीं होते हैं, इसे यह सभी कंट्रीज़ के लिए ओपन होता है। मतलब इसमें कोई भी अगर रिसोर्सेज मिलता है किसी कंट्री को तो उस कंट्री उस रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। तो ये थोड़ा जो डिफरेंस था बेस इनके बारे में वो हमने देखा। अब चले देखते हैं अगली न्यूज़ के। अगली न्यूज़ है आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि ऑपरेशन स्माइल है वो किससे रिलेटेड है, इसी के साथ ऑपरेशन मुस्कान है वो किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है, और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान है वो दोनों जैसे काफ़ी बार चाइल्ड मिसिंग के काफ़ी केस होते हैं, तो उस कंडीशन में जो मिसिंग चाइल्ड हैं उन्हें मतलब वापस पुनरावासित करना उसके लिए ये ऑपरेशन स्माइल चलाया गया था, ऑपरेशन मुस्कान। और यह मिनिस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जैसा नाम से आप देख के सोच रहे होंगे कि चाइल्ड एंड लेबर सॉरी जो वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर होम अफेयर मिनिस्ट्री है वो इंक्लूड है, मतलब वो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। तो हमें के बारे में पता होना चाहिए जो कि अभी हमने देखा, क्योंकि जैसे कोई भी मिसिंग चाइल्ड होते हैं तो उनको मतलब पुनरावासित करना, या फिर कई बार जैसे ट्रेन वगैरह में कोई बच्चा अगर चुरा के ले जाता है तो उस केस में भी यह जो ऑपरेशन स्माइल है वो चलाया जाता है। मतलब ऑपरेशन स्माइल इसीलिए चलाया गया है जैसे कई बार ट्रेन में बच्चे मिसिंग हो जाते हैं तो कुछ लोग उनको जैसे उनके ह्यूमन ऑर्गन उनको मतलब सेल करने के लिए बच्चों की स्मगलिंग वगैरह कुछ करते हैं, तो उसी कंडीशन में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्माइल चलाया था ताकि बच्चों को जो उनके पुनर्आवास है वहाँ पे वापस पहुँचाया जा सके, उनकी लाइफ है उनका मतलब एजुकेशन वगैरह मुहैया करवाया जा सके। तो उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया। मिनिस्ट्री से भी आपको बताया है कि होम अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो इसे रेगुलेट करती है। अब अगली न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली न्यूज़ है वो 5G टेक्नोलॉजी और इंडिया को लेकर आई है। तो इसके बारे में हम थोड़े जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी और इंडिया के बारे में क्या क्या जो पॉइंट्स है जो हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इंडिया ने रिसेंटली जो 5G इकोसिस्टम ज्वाइन किया है ताकि उसकी वजह से जो भी इंडिया को डिजिटल बनने में फ़ायदे होंगे, तो वो फ़ायदे हम देख लेते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आती है उसके क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। देखो यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछेगी डायरेक्टली कि 5G टेक्नोलॉजी से इंडिया में क्या फ़ायदा हो रहा है, बट आपको पता है कि ऑब्वियसली अगर 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तो उसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हम ऐसे पॉइंट्स है वो मतलब इनडायरेक्टली देखो ऐसे पॉइंट वो यूज़ हो जाते हैं कि जैसे नई टेक्नोलॉजी उसके क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो जैसे पहला बेनिफिट ये दिया गया है कि इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी आगे, क्योंकि लोगों को रोज़गार मुहैया होंगे। अब लोगों को रोज़गार मुहैया होंगे इसी के साथ अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण भी होगा। नई अगर जैसे अभी फिर यहाँ पे 5G का एग्जाम्पल लिया जाता है कि अगर 5G इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट है वो नई इंडस्ट्री स्टेबलाइज करेगी, तो उसके तहत इंडिया है वो नई चिपसेट कंपनी वगैरह बनाएगी, मतलब चिप वगैरह बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली कंपनी अगर नई चिप आईसीज वगैरह बनाएगी तो उसके लिए उसे मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके तहत लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो एक रिसर्च वर्क है वो भी काफ़ी आगे बढ़ेगा, और मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट है वो भी आगे बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये काफ़ी कुछ फ़ायदे होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है अगर नई कंपनी आती है तो उसको क्या क्या फ़ायदा है, तो हम वहाँ ऐसे पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं।
आगे फिर आर्टिकल में दिया गया है कि गवर्नमेंट ने जो हाई लेवल फॉर्म बताया इसे कि मतलब इसे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है, जैसे अप्रोक्सीमेट 5 से 7 ईयर में भारत का जो 50% है ट्रेड और इसी के साथ विश्व का 10% जो मार्केट है सॉरी वो हासिल करने के लिए मतलब काफ़ी अच्छा फायदेमंद है वो साबित हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, इंडिया के पास जो इशू है मेनली वह टेक्नोलॉजी का इशू रहता है, तो इसी दिशा में गवर्नमेंट है वो नए कदम उठा रही है और उसके कदमों के तहत ही जो 5G का भी गवर्नमेंट चाह रही है कि 2020 तक 5G को प्रॉपर ढंग से इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा सके, तो उसी के तहत गवर्नमेंट कुछ नए प्लान भी हैं, जैसे कि रूरल एरियाज में गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि 1 Gbps की मिनिमम स्पीड प्रोवाइड करवाया जा सके। इसी के साथ जो अर्बन एरियाज है मतलब सिटीज़ में वहाँ पे 10 Gbps की जो स्पीड है वो मतलब सुनिश्चित की जा सके, ताकि लोगों को मतलब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियसली डिजिटल इंडिया का निर्माण होगा। और गवर्नमेंट आपको बता कि 2022 तक न्यू इंडिया का निर्माण करने की बात की गई है, तो वो ये सपने भारत के तभी पूरे हो सकते हैं जब छोटी छोटी चीज़ों पर गवर्नमेंट है वो खुद ध्यान करेगी और फोकस करेगी। अभी जब तक इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसके साथ अर्थव्यवस्था में अगर डिजिटलाइजेशन से अभी आपको पता है कि नोटबंदी के बाद भी गवर्नमेंट है वो नोटबंदी के बाद डिजिटलीकरण की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया था, काफ़ी सारे डिजिटल ऐप आ गए थे पेमेंट वगैरह के लिए भी और काफ़ी कुछ जो प्रोसीजर है वो मतलब डिजिटल हो गई थी ऑनलाइन हो गई, तो उसके काफ़ी कुछ फ़ायदे होते हैं। एक तो फाइल वर्क सबसे कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस वगैरह में जो फाइल वर्क होता है वो काफ़ी उसका ज़्यादा लोड होता है, तो उसकी वजह से काम है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो पाता है, मतलब जो अधिकारी लोग हैं वो मेनली फाइलों में लगे रह जाते हैं, तो अगर ऑब्वियसली जब काम डिजिटल हो जाएगा तो मतलब फाइलों का काम है वो बोझ कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो अधिकारी या जो भी वर्कर्स लोग हैं वो अपना और किसी सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, मतलब उनका जो मेन काम है जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है उस दिशा में वो अपने ध्यान है वो उसको लगा सकेंगे। अब अगली जो इसकी न्यूज़ है वो देखते हैं, अगली न्यूज़ है वो दिव्यांग सारथी जो एक ऐप है उसको लेके आई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि दिव्यांग सारथी ऐप क्या है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दिव्यांग सारथी मतलब कुछ दिव्यांग के लिए ही ये कुछ ऐप लाया गया है जो जो लोग फिजिकली डिसेबल वगैरह हैं उनके लिए, तो उसमें देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये कि जो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री इसकी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये इसकी मिनिस्ट्री है जो इसे मतलब नोडल मिनिस्ट्री है जो इसे रेगुलेट करेगी। इसके द्वारा नई स्कीम्स नए ऑपरेशन नए इवेंट या जो भी स्कॉलरशिप या कोई जो भी अन्य इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मुहैया करवाई जाएगी दिव्यांगों को। इसी के साथ उनको रोजगार संबंधी कोई भी जानकारी है या रोजगार मुहैया करवाने के लिए गवर्नमेंट नए कदम उठाएगी तो वो भी दिव्यांग सारथी ऐप के तहत उन्हें मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी है कि ऑफलाइन भी काम करेगा और इसमें ऑडियो नोट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है कि ये कोई भी जैसे कि मतलब PDF है वर्ड फाइल है तो उसको मतलब ऑडियो में ट्रांसलेट करके या दिव्यांगों को सुना सकता है, तो वो भी इसका काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो मतलब दिव्यांगों को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है कि 2022 तक गवर्नमेंट का यही प्लान है कि नए इंडिया का निर्माण करना है, तो उसके साथ गवर्नमेंट चाहती है कि जो दिव्यांग है जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं उनको भी मतलब मेन स्ट्रीम में लेके आ जा सके, क्योंकि वो लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उनको मतलब समाज में तवज्जो नहीं दी जाती है, काफ़ी उनका मतलब ध्यान नहीं रखा जाता है, बैंकों में भी काफ़ी बार उनको चेकबुक वगैरह इशू नहीं करी जाती है, काफ़ी मतलब बैंकों में भी दिव्यांगों के अकाउंट के लिए आपको पता है पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती थी। खैर हालांकि अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सुधार किए हैं बट उससे पहले काफ़ी दिक्कत होती थी इनको कि इनका डायरेक्टली अकेले का अकाउंट नहीं खोला जाता था, इन्हें ज्वाइंट अकाउंट के लिए मतलब सभी दिव्यांगों के लिए जैसे कोई बार काफ़ी जैसे कि किसी को मतलब दिखाई नहीं था अलग अलग रीजन्स में वो है कुछ अलग अलग प्रावधान होते थे, तो उसी के तहत गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको मेन स्ट्रीम में कनेक्ट किया जा सके। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है दिव्यांगों के साथ कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुँच पाती है, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम से उनका फ़ायदा इसलिए नहीं पहुँचता क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो ही नहीं होती है उनको कि हमारे लिए स्कीम भी चल रही है फ़ायदा, तो ऑब्वियसली अगर जब गवर्नमेंट ने ऐप जारी किया है तो उसके तहत उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएंगी ताकि वो लोग वो समाज की मेन धारा से जुड़े रहें, तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे जो कुछ डाटा दिया गया जो काफ़ी अच्छा है जिसे हम यूज कर सकते हैं ऐसे वगैरह में, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख हैं दिव्यांग है, मतलब 2.68 करोड़ दिव्यांग हैं और इसी के साथ जो प्रतिशत है पॉपुलेशन का टोटल वो है 2.2% से भी ज़्यादा दिव्यांग है इंडिया में। क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेट 125 करोड़ के आसपास है, तो अभी तो 130 के से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है ऑब्वियसली 2011 के डाटा है वो, तो ये दिव्यांग कुछ डाटा है जो हम यूज़ कर सकते हैं कि 2.2% से ज़्यादा लोग दिव्यांग हैं इंडिया में और फिर भी गवर्नमेंट है उनके लिए मतलब कोई स्कीम नहीं चला रही थी, तो अभी नई गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ किए हैं नए प्रावधान किए हैं, हालांकि सभी गवर्नमेंट है वो नए नए प्रावधान करती हैं स्कीम लेते हैं बट आज टाइम वो काफ़ी चेंज हो रहा है और इस दिशा में गवर्नमेंट को भी सख्त और भी नए कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि अभी भी दिव्यांग है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं काफ़ी सेक्टर्स में, तो गवर्नमेंट को आगे भी बहुत दिशा में सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है, ये आर्टिकल में कहा गया है। अगला जो न्यूज़ है वो ऑपरेशन फ्लड को लेके हैं,
ऑपरेशन फ्लड है इसके बारे में देख लेता क्या है। ये एक्चुअली 1970 में जो डेयरी डेवलपमेंट की लेके डेयरी डेवलपमेंट को लेके आया था, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इंडिया का नहीं वर्ल्ड का ही बहुत बिगेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसके तहत जो दूध उत्पादन को काफ़ी आगे बढ़ाना था। जो एक्चुअली नाम से तो ऐसा लगता है कि कुछ से कोई फ्लड रेस्क्यू वगैरह कुछ ऑपरेशन होगा, बट हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेशन फ्लड है वो 1970 के टाइम पे आया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके आज भी न्यूज़ आई हुई है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि इंडिया अभी भी दूध प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है और पूरे वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेट 90% और 19% जो जो दूध है वो इंडिया में उत्पादन होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए, काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है इसके लिए। मतलब श्वेत क्रांति भी स्टार्ट की गई थी आपको पता है, और इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन का भी इफेक्ट रहा, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत जो खाद्यान्न फसलें हुई थी तो उसके द्वारा इनको चारा वारा भी मुहैया करवाया गया था जानवरों को। तो मतलब वहाँ दोनों सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरलिंक। तो वहाँ वैसे पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ऑब्वियसली नई फसलें वो बोएगी, मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, तो जो प्रोडक्शन बढ़ा तो उस प्रोडक्शन का यूज है वो जो डेयरी फार्म उद्योग है वहाँ भी यूज़ किया गया, तो उसकी वजह से दूध का जो उत्पादन है वो भी बढ़ा, और इसीलिए जो जो श्वेत क्रांति आई थी आपको पता है वो आई थी। तो इसके मतलब जो पॉइंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो डेयरी फार्मिंग है वो इंडिया का लार्जेस्ट मतलब सस्टेनेबल जो रोज़गार प्रोवाइड कराता है लोगों को, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में लोगों के पास रोज़गार का काफ़ी कुछ इशू रहता है, तो उस दिशा में डेयरी जो फार्मिंग है वो लोगों को काफ़ी अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में जो डेयरी उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ सेक्टर्स में भी उन्नति हुई है। तो जो कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए, अब अगली न्यूज़ है वो देखते हैं। अगली न्यूज़ CSIR को लेके आई है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लेके, तो इसको बारे में देख लेते हैं। अभी इसके आपको पता है कि रिसेंटली जुबली ईयर था सेलिब्रेशन, तो उसको लेके न्यूज़ आई थी, मतलब इसके 75 साल कंप्लीट हो गए थे, तो उसी मौके पे जो जुबली ईयर आपको पता है सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 साल की अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके टाइम पे कौन सी जो सेलिब्रेशन की जाती है उसका क्या नाम होता है, आपको ये बताना है, और अगर 100 होते हैं तो कौन सी, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आप थोड़ा इसके बारे में CSIR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि ऑब्वियसली अगर जुबली ईयर सेलिब्रेशन की गई है तो UPSC में भी क्वेश्चन पूछ सकती है, और वैसे भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके बारे में अक्सर UPSC मतलब वैसे इंपॉर्टेंट बॉडियों के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ लिया करती है। 1942 में इसे बनाया गया था, मतलब आज़ादी से पहले ये बॉडी बनी हुई, तो UPSC ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि क्या यह आज़ादी से पहले बनी हुई थी या आज़ादी के बाद। तो कई बार हम देख के लगता है कि नहीं यार आज़ाद हुआ था भारत तो उसके बाद ही बनी होगी, तो मतलब वहाँ पे हमारा गलत हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। और ये ऑटोनॉमस बॉडी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, वो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है, और इसका जो मेन काम है CSIR का वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब साइंटिफिकली रिसर्च करना, और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उनके लिए भी रिसर्च करती है और डेवलपमेंट की दिशा में नए कदम है वो उठाती है। इसी के साथ ये सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत 1960 के तहत ये रजिस्टर की हुई है और उसके तहत अभी ऑपरेट होती है। अब इसके चेयरमैन कौन होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, UPSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है चेयरमैन के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं उनके, तो हम ऑलमोस्ट आपको पता है काफ़ी बार डिस्कस भी करते हैं। तो CSIR के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसकी कुछ न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की। अब अगली न्यूज़ है वो देखते हैं, अगली न्यूज़ है वो है ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर को लेके आई है, तो इसके बारे में तो थोड़ा पॉइंट्स है वो हम देखते हैं कि क्या है ये आखिर। जैसे कि कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं कि वो गलत एक्टिविटीज़ मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या करती है अपने शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ा देती हैं, ताकि कस्टमर को बेवकूफ़ बना सके, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है वो अपनी शेयर मार्केट की प्राइस है वो कुछ गलत पर काम करती हैं, और उसकी वजह से जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ा देती हैं। जैसे कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग कुछ भी मतलब गलत काम करती हैं और अपनी शेयर की प्राइस बढ़ा देती हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि यार इस कंपनी में शेयर की बहुत अच्छी प्राइस है तो वो यहाँ पर मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो लोग उसके शेयर ज़्यादा खरीदेंगे, तो फिर वो कंपनी है मतलब ऑब्वियसली कंपनी फर्जी है, मतलब गलत एक्टिविटीज़ कर रही है, तो उसका प्रॉफिट तो उतना होगा नहीं, तो फिर वो कंपनी लॉस में चली जाएगी तुरंत, और तो उसकी वजह से क्या है जो लोगों का पैसा है वो डूब जाता है। तो ऐसी ये कुछ कंडीशन मतलब ऐसे जो हालात हो जाते हैं उस कंडीशन में गवर्नमेंट की काफ़ी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि वो उस दिशा में मतलब कुछ नए प्रावधान या रेगुलेट करें उन्हें। तो इसी को आपको पता है कि मेनली जो कंपनीज़ वगैरह उनको रेगुलेट करने का काम है शेयर मार्केट को, वो काम करती है SEBI। अब SEBI का अगर इस हिसाब में काम करें तो SEBI ने भी रिसेंटली ये ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर ये सिस्टम स्टार्ट किया है। इसके तहत SEBI ऐसी कंपनीज पे ध्यान रखेगी जो कि गलत प्रैक्टिस या मतलब गलत काम करके जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ा देती हैं, ताकि कस्टमर को बेवकूफ़ ना बना सकें, तो उसके लिए SEBI है वो ऐसा नया प्रावधान लेके आई है। तो अभी रिसेंटली 900 ऐसी कंपनी है जिनको इसमें मतलब जो ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर है इसमें मतलब निगरानी में रखा गया है, ताकि उन कंपनियों पे मतलब SEBI को ऐसा डाउट है कि ये कंपनी है वो मतलब गलत एक्टिविटीज़ या गलत कार्यों के द्वारा अपने शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ा के रखती हैं, उसकी वजह से लोगों का पैसा है वो मार्केट में डूब सकता है।
तो यार लोग कस्टमर को अवेयर करवाने के लिए, ताकि इन्वेस्टर हैं वो अवेयर मतलब जागरूक रहें कि हमें इस कंपनी में पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। अब अगर ऑब्वियसली सेबी ऐसी कंपनियों की लिस्ट एक साइड अलग रख देगी तो लोग कोई भी लोग है वो कोई भी इन्वेस्टर अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उससे पहले वो देख लेगा कि हाँ यार सेबी की इस मतलब लिस्ट में अगर ये शामिल है तो मतलब ये कंपनी है फर्जी है या गलत कार्य करती है, तो मेरा पैसा वो डूब सकता है। तो लोगों को मतलब पैसा बचाने के लिए, लोगों का जो अगर नुकसान ना हो, इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए ये जो ये मेथड है सेबी ने ये स्टार्ट किया है। तो आज की डिस्कशन में जो कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए थे तो ये थे। तो चलो आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।